नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। एनसीपी में यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में इन दिनों इस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर जो है टूट के संकेत मिल रहे हैं, संकेत तो कई सारे मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अजित पवार जो है शरद पवार के भतीजे, उनके जो है लगातार बगावती तेवर जो है वो देखने को मिलते जा रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और अब जो है धीरे धीरे वहां पर शरद पवार भी टूटते नजर आ रहे हैं। पहले भाजपा ने उनके केंद्र की राजनीति पर जो है हमला किया, उनकी बेटी सुप्रिया सुले के जो है लोकसभा क्षेत्र बारामती में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुले जो है वहां पर हुंकार भरने पहुंचे, तो इसने काफी ज्यादा शरद पवार को दिर्रा करके रख दिया। और अब जो है शरद पवार की पार्टी में भी जो है टूट की खबर सामने आ रही है। दरअसल राष्ट्र अधिवेशन कार्यक्रम के मंच पर जो है अजित पवार और शरद पवार सभी को संबोधित कर रहे थे, इसी बीच जो है शरद पवार ने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि अजित पवार मंच छोड़कर चले गए और कहा कि मैं वॉशरूम जाकर के आता हूं, लेकिन वो दोबारा मंच पर नहीं लौटे, जिस कारण से जो है पार्टी में टूट के संकेत जो है दिखने लगे हैं कि अब शरद पवार के बयानों से उनके पार्टी के ही नेता खुश नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर अजित पवार टूट करके भाजपा के साथ जाते हैं तो शरद पवार को एक बड़ा घाटा लगेगा। देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, और इस चाणक्य को अगर बड़ा झटका लगता है तो फिर महाराष्ट्र में यही समझना होगा कि भाजपा के जो सुझाव करता है उन्होंने एनसीपी के शरद पवार यानी कि महाराष्ट्र के चाणक्य को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।